असल मैं नाम रिजवान चीमा फाउंडर एंड सी ऑफ मकान सोलूशन प्राइवेट लिमिटेड आपका सफ़र प्लाट से मकान तक आज की इस वीडियो में मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक जी मेन बुलवेट पे खड़ा हूँ और मेन बुलेवेट पे मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो ब्लॉक जी है माय फेस इज टुवर्ड्स चक्री रोड और लेफ्ट साइड ब्लॉक जी है जिसमें दस मल्ह के प्लॉट्स हैं और इस वक्त मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त जो ब्लॉक डेवलपमेंट का स्टेटस है ब्लॉक जी में क्या है अब बहुत सारे मैंबर जिन्हें ओवरसीज़ प्राइम में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिन्होंने बुकिंग करवा रखी है जोर सी बात है वो टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं कि ओवरसीज प्राइम की मैंने पहले एक सीरीज बनाई थी अबाउट टू एंड हाफ मंथ्स अगो तो अब मैं मैं दोबारा एक पूरी सीरीज रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें मैं पूरे ब्लॉक की ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है मेरे लेफ्ट साइड पे ब्लॉक जी है ब्लॉक जी में इस वक्त सिर्फ दस मलाह की कटिंग्स हैं और दस मलाह की कटिंग्स में इस देखें इस वक्त तो डेवलपमेंट का स्टेटस ये कि ऑलमोस्ट एट्टी टू नाइनटी परसेंट ब्लॉक जो है डिलीवर हो चुका है ब्लॉक अपने फाइनल फेज़ में है और ब्लॉक के डेवलपमेंट का स्टेटस कुछ क्यों है कि ब्लॉक के अंदर जो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं स्ट्रीट के ऊपर जो सामने आप कह लें सीवरेज का सिस्टम है वो लाइन बिछाई जा रही हैं और सीवरेज की लाइन्स के अलावा जो यहाँ पर ऑलरेडी कारपेटिंग होनी है ब्लॉक में जो एस्फल्ट काम होना है वो काफ़ी हद तक फाइनल स्टेज में है मेन बुलेवेड के लेफ्ट साइड का एडवांटेज यह है कि ओवरसिज प्राइम ब्लॉक जी को चक्री रोड से भी एक्सेस मिलेगी और यही रोड आगे लीड करेगा टुवर्ड्स मेन 400 फीट रोड और वो 400 फीट रोड जो आगे जब अटैचमेंट होगी उसकी मेन इंटरचेंज के साथ तो काफी ज्यादा अच्छी लोकेशन का एक्सेस मिलता है इसी ब्लॉक जी की आप थोड़े से डिस्टेंस पर अगर देखते हैं पीछे तो ब्लॉक एच और ब्लॉक एच के बिल्कुल साथ एडजस्टमेंट गोल्फ कोर्स वाक्य है और गोल्फ कोर्स में जो यहाँ के एलिवेशन होगी ज़ाहिर सी बात है कोई ओवरस प्राइम की ओवरऑल एलिवेशन काफी ज्यादा अच्छी है और गोल्फ कोर्स से एडजस्टमेंट का फायदा यह मिलेगा कि आपको अपने घर से बड़ा एक सीनियर व्यू मिलेगा बड़ा अच्छा लैंडस्केप मिलेगा जो आमतौर पर सोसाइटीज में नहीं होता ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो और इस डेवलपमेंट के स्टेटस का मैंने बता दिया आपको कि 80 परसेंट डेवलप हो चुका है ब्लॉक जी और ब्लॉक जी में अगर कटिंग के प्लॉट के साइज़ की बात करें किस साइज की कटिंग्स हैं तो ब्लॉक जी में इस वक्त दो साइज की कटिंग्स हैं एक है दस मरला के प्लाट्स और कुछ कॉर्नर प्लाट विद एक्स्ट्रा लैंड जो होंगे वो बारह मरला के होंगे अदरवाइज सिर्फ ब्लॉक जी में दस मरला के प्लाट्स अवेलेबल हैं और इन दस मरला के प्लाट में इस वक्त जो है वो पोजेशन सोसाइटी हैंड करने की पोजीशन में है बट मेरा ख्याल है कि सोसाइटी इसको ओवरसीज सेंट्रल के बाद जिसकी मैं आगे जाकर वीडियोज एड करता हूँ ओवरसीज़ सेंट्रल के बाद इसका पोजेशन अनाउंस करेगी ताकि जिन

तो अगर लैंड एलिवेशन की बात करें तो एग्जैक्टिव ब्लॉक की तरह डिफिकल्ट ट्रेन है ये नहीं कि बहुत ईजी ट्रेन है लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर वो ज़्यादा तेज़ है तो ये और प्राइम ब्लॉक जी में सब जो डेवलपमेंट का स्टेटस है आज की डेट में तकरीबन एटी परसेंट डिलवरेंस जो है वो अपने फाइनल फेज में आ चुकी है सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट बुकिंग के हाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़